We have already discussed infinite limits. Limits at infinity, इसको हम define करते हैं अब और इसकी कुछ examples करते हैं. Before going to this one, let me give you an example. और ये example क्या है? The function of three variables f of x, y, z defined by this one assumes arbitrarily large values in every neighborhood of origin. 0, 0, 0 जो है ये origin है. आर्बिट्रेरीली लार्ज वैल्यूज जो हैं वो ले रही हैं. तो यहाँ से तो ऐसा हिंट मिलता है कि ये फंक्शन की लिमिट वाइल एक्स अप्रोचेज टू ओरिजिन 0, 0, 0 एफ ऑफ एक्स वाई जी इट इज इन्फिनिटी. लेट्स एनालाइज क्रिटिकली दिस वन कि क्या वाकई इन्फिनिटी है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये एक्स ऑफ के एक्स के वाई के जी के ले लेते हैं वेयर ईच एक्स के वाई के एंड जी के इक्वल्स दिस वन है. तो आप ये इवेल्यूएट करें फंक्शन की वैल्यू यू विल सी के एफ ऑफ एक्स के इक्वल्स के प्लस वन ओवर पाई वन बाय टू इंटू पाई ये आएगा एफ ऑफ एक्स के. ओके हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ओरिजिन ये बोल्ड वेक्टर है और ये ओरिजिन जीरो नहीं है ओरिजिन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स इन्फिनिटी. हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये इन्फिनिटी के इक्वल है. For example, the neighborhood of 0, 0 also contains these points. Origin का neighborhood जो है वो ये points भी contain करते हैं लेकिन इन points के लिए f of x k bar अगर आप evaluate करें from the expression of x यानी कि x की value ये y की value ये z की value ये लें तो it is equals to 0. ओके सो ये example इसलिए discuss की है कि आपका arbitrary large अगर फॉर सम paths जो है फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पासिंग थ्रू ओरिजिन जो है वो लार्ज आ रही हो इट डजेंट मीन कि उसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी क्योंकि वी हैव फाउंड अनदर पाथ सच दैट फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो है तो लिमिट जब हम लेंगे एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ओरिजिन 0, 0, 0 वो भी जीरो ही रहेगी तो या तो लिमिट तो यूनिक होती है या इन्फिनिट होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए. तो हम कंक्लूड ये करेंगे कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती इन्फिनिट लिमिट इसकी नहीं है इन्फिनिटी लिमिट इसकी नहीं है. अब हम डिफाइन करते हैं लिमिट एट इन्फिनिटी. पहले तो ये हम कह रहे थे ना एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स जो है ये इन्फिनिटी वैल्यू हो. ठीक है पहले हम ये कह रहे थे अब हम ये कह रहे हैं कि लिमिट x approaches to infinity है ओके okay? x mod लिख लेते हैं f of x ये क्या है लिमिट ये फाइनाइट भी हो सकती है मे बी इन्फिनिट भी हो लेकिन फाइनाइट वाला केस जो है वो हम उसको फॉर्मली डिफाइन करने इफ df इज अनबाउंडेड वी से दैट ऑफकोर्स डोमेन जो है ये अनबाउंडेड होनी चाहिए वी से दैट लिमिट x mod approaches to infinity f of x equals l finite If for every epsilon greater than 0, there is a number r such that f of x minus l jo limit hai less than epsilon o whenever x mod greater than r ye aapke paas true ho x mod greater than r ho aur x belongs to domain of f ho. Of course domain of f jo hai ye unbounded hai इसको हमने फॉर्मली जो है वो डिफाइन कर लिया. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वी विल बी लुकिंग फॉर अ नंबर आर सच दैट एक्स मॉड ग्रेटर देन आर ओ और एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ एफ ओ उसके लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है ये लेस देन एप्सिलॉन ये इनइक्वालिटी ट्रू हो देन वी विल से दैट द लिमिट of the function f of x when x approaches towards infinity hai ye finite number l hai iski kuch examples jo hai wo discuss karenge.